अच्छा बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यह तपस्या आप कितने दिन के लिए करने वाले हैं? 21 दिन की। 21 दिन की। अच्छा, खड़े रहेंगे, बैठेंगे, कैसे क्या कुछ होगा? खड़े रहेंगे 21 दिन तक। अच्छा बाबा जी, खाने पीने का कैसे रहता है? खाना पीना का तो इनका ऐसा है, थोड़ी बहुत चाय वाय ले लिया, एक दो केला वेला ले लिया, बस थोड़ा बहुत फल वल ले लिया, बस इतना ही रहता है। अच्छा, कोई अन्न नहीं लेंगे, जैसे रोटी चावल? कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ बस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। देखिए, उत्तर प्रदेश के हम भैंसवाल गांव के अंदर हैं और यहाँ पर जब हम चुनावी सर्वे जो आने वाले 24 के हैं वो करते हुए गांव-गांव हम जाते हैं, सर्वे करते हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इसी तरह हम भैंसवाल गांव के अंदर आए थे तो हमें यहाँ पर पता लगा कि एक बाबा है जो 21 दिन की तपस्या कर रहे हैं और आज पता नहीं शायद पहला दिन है या दूसरा दिन है, ये तो हमें जाकर ही पता लगेगा। तो हम दिखाते हैं कैसे क्या कुछ 21 दिन की तपस्या है। और फिलहाल ये भैंसवाल गांव के अंदर आप भीड़ भी देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहां पर इकट्ठा हैं और ये देख लीजिएगा बाबा जी को खड़े रहकर के पूरे 21 दिन की तपस्या करने वाले। इन्हीं से ही पहले हम बातचीत कर लेते हैं कि आखिर कितने दिन की तपस्या है, कैसे क्या कुछ मामला है। हाँ जी, नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। अच्छा, क्या नाम बाबा जी? शेषनाथ। शेषनाग? शेषनाथ। शेषनाथ। अच्छा बाबा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यह तपस्या आप कितने दिन के लिए करने वाले हैं? 21 दिन की। 21 दिन की। अच्छा, खड़े रहेंगे, बैठेंगे, कैसे क्या कुछ होगा? खड़े रहेंगे 21 दिन तक। 21 दिन तक आप खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे। अच्छा, कौन से बाबा की आप तपस्या कर रहे हैं या फिर किसी भगवान की कर रहे हैं? गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ की कर रहे हैं जी। अच्छा, जैसे रात होगी उसके बाद फिर नहीं बैठना है या फिर रात को खड़े खड़े इस पर रहना, रात को भी कितने दिन तक खड़े खड़े रहना है? चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, खड़े ही रहना है। जी अच्छा, ये देख लीजिए, आपका क्या नाम है बाबा जी? सुरेंद्रनाथ जी। अच्छा सुरेंद्रनाथ जी, ये बाबा जी जो तपस्या कर रहे हैं 21 दिन की गुरु गोरखनाथ की कर रहे हैं। देखो ऐसा है, जितने महापुरुष होते हैं हमारे, गुरु गोरखनाथ जी है, रविदास जी है, गुरु नानक जी है और मल कबीर साहेब है जी, ये सभी की उपासना करते हैं और सभी के ध्यान में रहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे छोटे गुरु भाई हैं जी जी जी, और ये 21 दिन के ना के आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और 9 तारीख का यहाँ पे जो है सत्संग है और 10 तारीख का पूर्णिमा को भंडारा है अगले महीने जो आने वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, जी, जी। हाँ। अच्छा, कितने गांव से लोग आएंगे और बाहर के कितने लोग आएंगे और हाँ। जो आपके साधु संत हैं, आपके साथी हैं, वो कितने लोग यहाँ पर आएंगे? वो तो अभी तो कुछ नहीं पता है, अभी तो मतलब अभी तो निमंत्रण देंगे उसके बाद में देखेंगे कितने आएंगे हैं जी, वो तो संगत के कितने आदमी आ जाए। हाँ जी जी हाँ। अच्छा, ये कन्फर्म है बाहर से भी आएंगे लोग? जी हाँ जी हाँ, बाहर से भी आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मतलब सात संगत आती है जी जी। ठीक है जी, जो सत्संग होता है तो उसमें सभी लोग जुड़ते हैं। ठीक है जी जी। अच्छा, जो तपस्या है, देखिए मुझे नहीं पता क्योंकि हम बच्चे हैं, इस बारे में कम जानकारी है, जो तपस्या है इसका रीजन क्या होता है, तपस्या करने का उद्देश्य क्या होता है? तपस्या उद्देश्य तो क्या होता है, ये मतलब साधु संत का क्रम होता है। साधु संत जो होते हैं वे सिर्फ संसार के भलाई के लिए, संसार के भलाई के लिए, नगरी के भलाई के लिए, भाई इसमें नगरी में सुख शांति रहे और सब जो मतलब खुशहाल रहे, इसलिए ये मतलब जो है मतलब खड़ी तपस्या में होते हैं, मतलब धुने के बीच में बैठते हैं और मतलब तपस्या करते हैं, तो इसलिए होते हैं सत्संग भंडारा, इसलिए होता है। ठीक है जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, इनके गुरु जी का नाम जान सकूँ तो क्या, कैसे क्या कुछ पीढ़ी चल गई है? जी हाँ, पहले हमारी, हाँ हमारी गुरुगद्दी है उत्तराखंड जिला हरिद्वार लक्सर में, ये रमेश नाथ जी का शिष्य हैं, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं रमेश नाथ जी का शिष्य हूँ। ठीक है जी हाँ, और इनको यहाँ पे 5-6 साल हो गया यहाँ पे रहते हैं, ये मतलब मंदिर की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं जी जी। तो ये मतलब यहीं पर रहते हैं, मैं उत्तराखंड से आ रखा हूँ इनकी उसमें। ठीक है जी, मैं उत्तराखंड से हूँ जी, और मैं इनके उसमें थोड़ी वो मतलब देख रेख में हमारी, ये हमने मतलब खड़ा किया सेवा में। ठीक है। अच्छा, आप बाहर से आए हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ, उत्तराखंड से, जिला हरिद्वार जी जी जी। जो अच्छा, देखिए आपके जो और भी बाबा हैं, और भी बाबाओं ने तपस्या की होगी इसी तरह की जैसे ये कर रहे हैं, और भी किसी ने की है जानकार? हाँ जी बहुत है, अब जो मतलब पिछला महीना गया, जो जेठ का, जिसको जेठ साढ़ कहते हैं, देसी महीना होता है हमारा,
जात वाला साढ़ और देश साढ़ और जेठ उसमें जो है मतलब किसी ने मतलब धोने की तपस्या की, किसी ने मतलब खड़ी तपस्या की। अधिकार उस महीने में तो जो है मतलब गर्मी का मौसम होता है, मतलब धोने की तपस्या चलती है। ठीक है जी, हाँ जी, ये देख लीजिएगा गांव के अंदर है। समस्त संसार की भलाई के लिए, अपनी नगरी की भलाई के लिए बाबा जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी नमस्कार बाबा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहीं बाहर से आए हैं या फिर यहीं के हैं? बड़ौद से। आप बड़ौद से आए? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है? बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, दिन रात जागेंगे? दिन रात जागेंगे। किस दिन की तपस्या में है जी? हाँ, किस दिन तक ऐसे ही खड़े रहेंगे, भजन करते रहेंगे? और आप भी यहीं पर रहेंगे इतना? हाँ, 21 दिन तक। हाँ, 21 दिन तक यहीं रहेंगे इनके पास ही। उसके बाद फिर भंडारा वगैरह करेंगे? हाँ, भंडारा करेंगे। 9 तारीख की बता रहे हैं? हाँ, 9 तारीख का सत्संग है, 10 तारीख का भंडारा है, जब तक हम यहीं रहेंगे। जी जी, चलिए और भी लोग, देखिए गांव वाले लोग भी हैं, आप चारों तरफ भीड़ देख सकते हैं। जी, आप भीड़ देख सकते हैं। एक और बात मैं बाबा जी से पूछना भूल गया था, एक बार थोड़ा इधर। अच्छा बाबा जी, खाने पीने का कैसे रहता है? खाना पीना का तो इनका ऐसा है, थोड़ी बहुत चाय वाय ले ली, एक दो केला वेला ले लिया, बस थोड़ा बहुत फल वल ले लिया, बस इतना ही रहता है। अच्छा, कोई अन्न नहीं लेंगे जैसे रोटी चावल? कोई अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हाँ, बस यही रहता जी। ये देख लीजिएगा, भारत को साधु संतों की सतली क्यों कहा जाता है? यही कारण है, क्योंकि यहाँ के भारत के साधु संतों ने ऐसी ऐसी तपस्याएं की हैं, भगवान को खुश किया है, अपने समस्त संसार की शांति के लिए तपस्या करते हैं। ये देख लीजिए गाँव के लोग हैं, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या नाम है जी? रामनिवास जी। अच्छा रामनिवास जी, देखिए बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर खुश हैं? गांव के लोग खुश है? सब पूरा गांव खुश है। और जो है सेवा करेंगे इनकी, इतना 21 दिन सेवा करेंगे, 21 दिन तक सेवा करेंगे इनकी। और फिर भंडारा भी करेंगे। 9 तारीख की सत्संग बता रहे हैं, उसके अगले दिन भंडारा 10 को या 9 तारीख को? 10 को, 10 को भंडारा करेंगे और 9 तारीख का आखिरी सत्संग। जी, ये देख लीजिएगा गांव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे भी काफ़ी खेल रहे हैं। ये देख लीजिए, और भी गांव के लोग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है जी? मेरा चंदा है जी। चंदा जी, आपको कैसा लग रहा है? देखिए बाबा जी तपस्या कर रहे हैं 21 दिन के लिए। भारत में काफ़ी ऐसे संत महापुरुष हुए हैं जो तपस्याएं करते हैं समस्त नगरी की सुख सुविधा के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, सेवा में लगे रहेंगे इनकी। बस ये काम है, भंडारा सत्संग। हाँ जी, सत्संग होगा 9 तारीख का, भंडारा होगा 10 को सुबह भी। जी, ये देख लीजिए, हम यहाँ पर भैंसवाल की रिपोर्ट दिखा रहे थे, बाबा जी है जो तपस्या कर रहे हैं। ये उसकी इनकी वो चलेगी। बोलिए। दो तारीख से रविदास जी की अमर कथा चलेगी, 7 दिन तक वो होगी। इसके बाद में 9 तारीख को भंडारा शाम के टाइम सत्संग और 10 तारीख को सुबह भंडारा। और हमें इसके लिए शासन की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो, हमें संदेशा है भाई, मिले या ना मिले, ये तो शासन की प्रभात है। गाम राम आपके साथ होगा? हाँ, गाम राम सब साथ है। और ये शुभ काम जो है 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। जी जी, 7 तारीख तक अमर कथा चलेगी सुबह ही, वो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक। जी, चलिए ये देख लीजिए कि गांव के लोगों से भी हमने बातचीत कर ली और बाबा जी से भी बात कर ली है, और समरी हमने आपको दे दी है किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं, कि भारत देश ऐसे ही है साधु संतों का, यहाँ पर तपस्या है बाबा जी अक्सर एक से एक बड़ी। कहीं पर आपने बाबा जी देखे होंगे जो धूना लगाते हैं गर्मियों के दिन, वो भी बाबा जी आपने देखे होंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हिंदुस्तान 9 के साथ। मैं हूँ अश्विनी कुमार, जय हिंद।